हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोइये खास में। ये दिवाली आप मीठा, तला और हेवी खाना खा खा के अगर बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज हम बनाएंगे मेथी करी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मेथी करी। मेथी करी बनाने के लिए आपको चाहिए एक गड्डी मेथी के पत्ते, आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली, दो से तीन हरी मिर्च, पाँच से छः कलियां लहसुन की, एक से डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हल्दी। अब मिक्सर में भुनी हुई मूंगफली डालें, फिर डालें हरी मिर्च दो से तीन। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने पाँच से छः कलियाँ लहसुन की डाली हैं और फिर हमने इसे ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड करके एक पतला पेस्ट रेडी कर लें। अब कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करें और उसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा जैसे ही चटकने लगे तो जो मसाला तैयार किया था मूंगफली, हरी मिर्च, लहसुन का, अब वो डाल दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे बॉईल होने दें। जब करी बॉईल होने लगे तो डालें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ध्यान रहे, हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल ऑलरेडी किया हुआ है जब हमने पेस्ट रेडी किया था, इसलिए इस समय लाल मिर्च कम डालिएगा वरना सब्जी बहुत स्पाइसी हो जाएगी। अब इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर और बॉईल होने दें। अगर आपको लगे कि सब्जी गाढ़ी हो गई है तो इस स्टेज पे आप पानी भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे बॉईल होने देना है और जैसे ही एक बॉईल आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी के पत्ते। मिक्स कर लें और इसे पकने दें। हमें ये सब्जी करीब 5 से 7 मिनट तक तेज आंच में पकानी है। तो लीजिए, मेथी करी तैयार है। तो चले अब इसे हम सर्व करते हैं। है ना कितनी आसान रेसिपी और थोड़ी सी हटके। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग। जय हिंद, जय भारत।